नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 71वें जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में लाल किले के मैदान पर दशहरा पर्व पर पीएम मोदी ने रावण के पुतले का दहन किया। इस मौके पर रावण का संहार करने के लिए उन्होंने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, धनुष टूट गया तो उन्होंने तुरंत तीर को भाले की तरह रावण के पुतले पर फेंक दिया। इस दौरान वे मुस्कुराते रहे। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वेंकैया नायडू भी शामिल थे। दिल्ली के लवकुश रामलीला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बॉलीवुड के अभिनेता जॉन इब्राहिम ने बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। शाह को लवकुश रामलीला समिति के कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर और गदा और साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। शाह ने सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। शाह ने आज से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। शाह ने अपनी चुनावी यात्रा का शुभारंभ आनंद जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव करम मसद से की है। मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर शुक्रवार को मची भगदड़ के दौरान एक पीड़ित से आभूषणों की कथित चोरी का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता सुमलता शेट्टी सहित 23 लोग शुक्रवार को मची भगदड़ में मारे गए। मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें देशभक्ति नहीं सिखाई है, अभी वो दिन नहीं आया कि हमें देशभक्ति सिखाई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला दशहरा उत्सव कार्यक्रम के दौरान कहा कि फरीदाबाद के दशहरा मैदान का 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यकरण किया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है, जिसमें मैदान के चारों ओर स्टेडियम की तरह सीटें, रंगीन लाइटें और मखमली घास लगाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने मंच से तीर चलाकर रावण का पुतला दहन किया। अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर सभी लोग शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प ले, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने कहा। बठिंडा में आज किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारी मात्रा में किसान शामिल हुए और खेती बाड़ी अधिकारियों द्वारा किसानों को फसलों के बारे में कई महत्वपूर्ण तकनीकियां बताई गई। वहीं इस मेले में खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर, बठिंडा डिप्टी कमिश्नर और पंजाबी फिल्मों के कलाकार जसविंदर भल्ला भी पहुंचे। बठिंडा शहर में बना हुआ गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बंद हो गया है। बता दें कि इस थर्मल प्लांट में 460 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। 2000 के करीब इसमें कर्मचारी नौकरी कर रहे थे, जो अपने आप को अब बेरोजगार समझने लगे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री 4 दिन पहले बठिंडा में आए थे और मीडिया को कहा था कि बिजली की अब जरूरत नहीं तो कोयला को क्यों जलाना। बलिया के भूड़ाडीह गांव में ताजिए के रास्ते के विवाद को लेकर हिंदू समुदाय में रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों की माने तो हिंदू परिवार के घर के अंदर से ताजिया निकालने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। गांव के हिंदू परिजनों का कहना है कि दूसरे समुदाय द्वारा अत्याचार जारी रहा तो कैराना की तरह इस गांव में भी हिंदुओं का पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों से बात कर विवाद को सुलझा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन किराया बढ़ाने जा रहा है। इससे आवागमन के इस महत्वपूर्ण साधन पर आश्रित दिल्ली के लोग परेशान हैं और किराया वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी DMRC के किराया वृद्धि के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया है। CM ने शनिवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से अपील की कि वे DMRC को किराया न बढ़ाने का निर्देश दें। फैजाबाद में 29 सितंबर को शाने अवध होटल में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निशांत सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस जानकारी को डॉक्टर JPL सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया था। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नानक सरसन मौजूद रहे। फैजाबाद सोहावल के गांव बेनीपुर मजरा रौनाही में डांस कंपटीशन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य अजय रावत शामिल हुए और प्रथम विजेता को पुरस्कार के रूप में साइकिल दिया। अमेरिका से एक हैरान कर देने वाली लूट की घटना सामने आई है। दरअसल अमेरिका के केंटकी में हेडरसन में एक लुटेरे ने कोका कोला की बोतल जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर एक रेस्टोरेंट को लूट लिया। ये घटना केंटकी में स्थित एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में सुबह 7 बजे की है। बता दें कि इस लुटेरे के हाथ में एक बंदूक भी थी और इसी के सहारे उसने इस घटना को अंजाम दिया।
आज से टीवी का सबसे पसंदीदा और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 11 शुरू होने वाला है। टीवी पर अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर शिल्पा शिंदे, मोनी रॉय और सपना चौधरी भी शो का हिस्सा हैं। शिल्पा शिंदे के फैंस काफी समय के बाद उन्हें टीवी पर फिर से देख पाएंगे। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।